YouTube ad series part 4 में दोस्तों आपका दिल से स्वागत है। जी दोस्तों, part 4 में मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा YouTube ad campaign का सेटअप, पूरा प्रोसेस, पूरी सेटिंग, पूरी टारगेटिंग और एक न एक न्यू वर्ड, पूरा एडवर्ड। दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन आज वीडियो में देने वाला हूँ। खास बात दोस्तों कि गूगल एडवर्ड दोस्तों गूगल एड्स हो चुका है, तो दोस्तों न्यू डैशबोर्ड भी दोस्तों आ चुका है, अपडेट वर्जन आ चुका है। दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों पूरा ट्यूटोरियल बेस्ड भी होने वाला है। दोस्तों पूरा लाइव में आपको एक एड कैंपेन क्रिएट करके बताऊंगा, यूट्यूब एड क्रिएट करके बताऊंगा, अपने ही चैनल का एक वीडियो लेके बताऊंगा, पूरा बताऊंगा आपको। न्यू डैशबोर्ड रहने वाला है, पूरा सेटअप हम देखने वाले हैं कैसा करना है, पूरा वीडियो को देखना दोस्तों। इसीलिए दोस्तों ये वीडियो लंबी वीडियो है दोस्तों। अगर दोस्तों आप सीरियस हो यूट्यूब एड सीरीज के बारे में, रियर में सीखना चाहते हो दोस्तों, पूरा वीडियो को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैंने पूरी कंसेप्ट क्लियर की है। मैंने ऐसी भी कोई भी कंसेप्ट नहीं रखी है कि जो आपको किसी और चैनल पे जाके ढूंढनी पड़े या फिर सर्च भी करनी पड़े दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और एक खास बात दोस्तों, कमेंट करें अपने क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों पार्ट 5 के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ FAQ पार्ट, जिसके अंदर आपके सवाल और मेरे आंसर रहने वाले YouTube ad सीरीज के रिलेटेड। जरूर कमेंट करें, आपको जरूर आंसर मिलेगा। और दोस्तों अगर आप तक अगर दोस्तों आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा हो जरूर देखिएगा, और हाई रिकमेंड करता हूँ आपको पार्ट 3 देखिएगा, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर मैंने कीवर्ड रिसर्चिंग के ऊपर पूरा ट्यूटोरियल बेस, मतलब पूरा एक एग्जांपल लेके आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है कि भाई कैसा कीवर्ड रिसर्च किया जाता है पार्ट 3 के अंदर। तो ये पार्ट 4 है दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो। और अभी हम चलते हैं हमारे पीसी की तरफ और देखते हैं पूरा एड सेटअप। सो हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे पीसी की ओर। दोस्तों आज का वीडियो काफी अमेजिंग होने वाला है, और आज के टाइम दोस्तों मैं आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ दोस्तों, एक वीडियो ऐड यूट्यूब वीडियो ऐड कैसे चलाते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्या करना है दोस्तों, फर्स्ट स्टेप दोस्तों हमारा है कि भाई हमारा एडवर्ड अकाउंट क्रिएट करना है और उसे हमारे यूट्यूब चैनल से लिंक कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना गूगल एड्स का अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर गूगल ऐड का अकाउंट ओपन करने के लिए दोस्तों सिंपली आपको गूगल ऐड का अकाउंट बनाना है, जैसे आप एक जीमेल आईडी का अकाउंट बनाते हो वैसा ही दोस्तों इसका प्रोसेस है। दोस्तों कुछ भी ऐड नहीं है अकाउंट बनाने के बाद, दोस्तों वो कुछ इस तरीके से आपको पूरा इंटरफेस दिखेगा दोस्तों, पूरा लॉगिन साइनअप कर लेना है पूरा। ये सब हो जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में आना है। ये मेरे चैनल का डैशबोर्ड है दोस्तों, यहाँ पर डैशबोर्ड में आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको चैनल में जाना है, और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि लिंक कैसा करना है आपको आपके चैनल को और आपके गूगल एड्स के अकाउंट को, यानी गूगल एडवर्ड के अकाउंट को। दोस्तों यहाँ पर नीचे आने के बाद दोस्तों एडवांस में जाना है आपको, चैनल पे क्लिक करना है, एडवांस पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर दोस्तों एडवर्ड अकाउंट लिंकिंग का जो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखा है दोस्तों, यहाँ पर लिंक एंड एडवर्ड अकाउंट पर क्लिक करना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको एक कस्टमर आईडी दोस्तों जो कि आपको गूगल एडवर्ड के अकाउंट के यहाँ पर दोस्तों ठीक यहाँ पर ये आपकी जीमेल आईडी और ये कस्टमर आईडी आपको मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर ये मेरी आईडी है दोस्तों। सिंपली मैं इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। दोस्तों जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो वहाँ पर मुझे दोस्तों मेरे एडवर्ड का जो अकाउंट है दोस्तों, यहाँ पर मुझे ऐसी नोटिफिकेशन आएगी दोस्तों कि भाई आपका अकाउंट जो है, तो मतलब दोस्तों यहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट आएंगी कि भाई इसी चैनल से आपको जिम एडवर्ड के अकाउंट के ऊपर लिंक करने के लिए रिक्वेस्ट चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपली आपको व्यू पे क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेना है, जिससे यहाँ पर दोस्तों ये जो देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ पर लिंक हो चुका है मेरे गूगल एडवर्ड के अकाउंट से। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात बता देना चाहूँगा, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि जो हमारा यूट्यूब चैनल का जो अकाउंट है जिस आईडी से बना है जीमेल आईडी से, वही आईडी से हमारा एडवर्ड का अकाउंट होना चाहिए, गूगल ऐड का अकाउंट होना चाहिए। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अलग अलग रहा तो भी चल जाता है। दोस्तों ये तो फर्स्ट स्टेप हो गई कि भाई कैसा करना है। अब दोस्तों आपको अभी दोस्तों मैं पूरा बताने वाला हूँ कि भाई हमारा जो वीडियो ऐड है उसको कैसा रन करना है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं काफ़ी सारे वीडियो बनाते रहता हूँ, 52 वीडियो अब तक मैंने बना दिया दोस्तों चैनल के ऊपर। सो दोस्तों देखिए मैं अभी देखो दोस्तों, ऐड क्रिएट करने के लिए दोस्तों कुछ नहीं, दोस्तों आपको दो तरीके हैं दोस्तों ऐड क्रिएट करने के लिए। जैसे अकाउंट लिंक हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों एडिट के बाद, जो ये सब ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको प्रमोट का एक ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम। दो तरीके दोस्तों, ये दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर गेट स्टार्ट के ऊपर जैसे दोस्तों आप क्लिक करते हैं, तो आप आपके एडवर्ड के अकाउंट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाते हो। अगर वो अकाउंट
लिंक होगा, तो अगर नहीं होगा तो दोस्तों आपको वो अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलेगा। देखिए दोस्तों मैं ऑटोमेटिक उस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो रहा हूँ, जहाँ पर मुझे पूरा वो एक पेज आएगा कि जिसके अंदर मुझे अपने पूरे ऐड क्रिएट कर सकता हूँ मैं। तो दोस्तों मैं आपको ये तो दोस्तों एक तरीका हो गया ऐसा करना, और दूसरा एक दोस्तों तरीका है, वो तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों ऐसा पेज आता है पूरा क्रिएटिव वीडियो कैंपेन, पर दोस्तों हमें ये नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि इसके अंदर दोस्तों आपको उसके बाद फिर जैसा ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको ऐड वो ऐड ग्रुप का एक अलग सा एक ग्रुप आपको बनाना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपको कोई दिक्कत हो प्रॉब्लम हो, तो सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, आपके गूगल ऐड के डैशबोर्ड पर आना है। यहाँ पर डैशबोर्ड पर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कैंपेन पर क्लिक करना है। दोस्तों मैं आपको ये सभी के सभी वर्ड जितने भी देख पा रहे हैं आप सभी के मैं मीनिंग आपको समझाऊंगा एट द एंड ऑफ वीडियो, तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर कैंपेन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है और न्यू कैंपेन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आने के बाद दोस्तों क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल्स गाइडेंस पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर क्लिक इसलिए करना है क्योंकि दोस्तों हम वीडियो ऐड बना रहे हैं। ये जो बाकी के जो ऑप्शन देख पा रहे दोस्तों ये गोल्स है, ये गोल्स आपको सेट कर सकते हो आप अगर आप अपने वेबसाइट के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हो तो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर किधर भी क्लिक नहीं करना है, सीधे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो ऐड के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि वीडियो ऐड रन करना है, हम यूट्यूब ऐड रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाते हैं स्टैंडर्ड वीडियो कैंपेन और एड से। दोस्तों एक नया फीचर आया है गूगल एडवर्ड का, ये दोस्तों पूरा का पूरा न्यू डैशबोर्ड है, न्यू डैशबोर्ड का मैं ट्यूटोरियल दोस्तों यहाँ पर नया फीचर आया दोस्तों ऐड सिक्वेंस। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ अभी कि अभी होता क्या है, ये दोनों में फ़र्क क्या है। तो देखिए दोस्तों गूगल ऐड सिक्वेंस, तो दोस्तों ये जो फीचर दोस्तों इससे ये होता है कि कोई भी मान लीजिए कि भाई पार्ट वन है, अगर आप कोई तो भी स्टोरी अपने ब्रांड है दोस्तों, आपका एक बिजनेस है, ठीक है, मान लेते हैं आपका एक बिजनेस है और आपके जितने भी कस्टमर हैं दोस्तों आप उनको स्टोरी शेयर करना चाहते हो, ब्रांडिंग करना चाहते हो, तो दोस्तों वहाँ पर आप पार्ट वन टू थ्री ये सब बना के दोस्तों ऐड सीक्वेंस का फीचर यूज़ करके आप एक कस्टमर को दोस्तों आपके एक व्यूअर को आप हर एक वीडियो ऐड वन बाय वन बता सकते हो। तो दोस्तों ये फीचर उसके लिए है दोस्तों, अभी तो फिलहाल हमें ये फीचर यूज़ नहीं करना। अगर आप अपनी मार्केटिंग के लिए ब्रांडिंग के लिए स्पेशली अगर आप अपने बिजनेस की तो अगर आपको ये फीचर यूज़ करना चाहिए तो फिलहाल तो दोस्तों हम इसे यूज़ नहीं करने वाले और मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। अगर आप दोस्तों हमारा जो गोल है दोस्तों, हमारा गोल है ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लेना और हमें सब्सक्राइबर लेना, ये हमारा वीडियो ऐड का गोल है। मैंने हमारे पार्ट वन में ज़रूर बताया था आपको हमारा गोल। यहाँ पर स्टैंडर्ड वीडियो कैंपेन पे क्लिक करना है। दोस्तों वीडियो लॉन्ग हो सकती है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि थोड़ा बहुत आपको बिल्कुल भी ना समझे और आप किसी और चैनल पे जाके उस कंसेप्ट को समझ ले, इसी में आपको ज़रूरत भी बिल्कुल भी नहीं पड़ने दूंगा आपको। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, एक नई चीज़ मैंने इसके अंदर समझेगी। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर कैंपेन नेम और ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पहले का जो पेज था दोस्तों, आपको इसके अंदर जो है ना दोस्तों यहाँ पर ऐड ग्रुप के लिए दोस्तों ऑप्शन नहीं मिल रहा था क्रिएट न्यू ऐड ग्रुप, वहाँ पर दोस्तों सिर्फ आपको यही तक ही मिल रहा था। तो हमें ये भी चाहिए था दोस्तों, ये भी पेज हमें चाहिए था। अगर हम वो नहीं करते तो हमें ये पेज नहीं मिलता और हमें मैन्युअली फिर दूसरा पेज वो सब ये सब चीज़ें करनी पड़ती और वो काफ़ी सारा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाती है आपको समझने के लिए भी। तो ये एक तरीका अच्छा है यहाँ पर ऐड क्रिएट करने का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी सबसे पहले कैंपेन नेम डाल दूंगा सबसे पहले। तो यहाँ पर हमारा कैंपेन नेम दोस्तों YouTube ऐड पार्ट थ्री। दोस्तों ये कैंपेन नेम मतलब ये लोगो दिखने नहीं वाला, आपको समझने के लिए ये नाम है दोस्तों यहाँ पर आपके ग्रुप का नाम कि भाई ये जो ऐड आए ये किस बारे में, तो ऐसा नाम रखिएगा कि आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए कि भाई हाँ इस ऐड ग्रुप के अंदर, इस ऐड के अंदर हमारा कौन सी ऐड चल रही है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो बजट का दोस्तों ऑप्शन मिल रहा है आपको डेली और पूरा कैंपेन का टोटल बजट, तो मैं आपको 100% रिकमेंड करता हूँ कि आप डेली पे जाएं और पूरा टोटल मत रखिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर टोटल रखते हैं तो बार बार आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आएंगे कि भाई आपका कैंपेन खत्म होने को आ रहा है, ख़त्म होने को आ रहा है, दोस्तों इरिटेशन होगा बाद में। तो डेली पे दोस्तों मतलब आप डेली कितना स्पेंड करना चाहते हो, आपका बजट दोस्तों, आप अपना बजट कितना भी रख सकते हो डेली का, ठीक है। आपके एडवर्ट के अकाउंट के अंदर दोस्तों अभी मान लेते कि 500 है और मेरा डेली का बजट दोस्तों मैं 100 rupees रखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 100 rupees रख दिया। दोस्तों यहाँ पर डिलीवरी मेथड का ऑप्शन क्या है, तो दोस्तों स्टैंडर्ड और एसेलेटेड। अब इस चीज़ को भी दोस्तों हम समझ लेते हैं कि भाई होता क्या है स्टैंडर्ड और एसेलेटेड। तो देखिए दोस्तों स्टैंडर्ड मतलब कि यहाँ पर गूगल जो है अपने तरीके से लोगों को एडवर्टाइजमेंट बताएगा, अपने तरीके से मतलब कैसा है कि भाई
जो आपका डेली का जो 100 रुपीज है दोस्तों, वो गूगल पूरे दिन भर में उसको यूटिलाइज करेगा, पर अपने तरीके से। आप दोस्तों आप फ़र्क देख लीजिए, एसेलेटेड में क्या है कि वो एक ही बार में आपके 100 रुपीज यूज़ कर लेगा, एक ही दिन के अंदर आपके 100 रुपीज यूज। और स्टैंडर्ड में क्या कि भाई अपने तरीके से धीरे धीरे गूगल दोस्तों गूगल के लिए दोस्तों एडवर्टाइज़र काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो वो एडवर्टाइज़र जितने भी एड्स आते हैं दोस्तों, वो एकदम सही से और अपने मर्जी से और सही समय पे उसे अपना जो क्रेडिट है दोस्तों यूज़ करेंगे, आपके पैसे यूज़ करके प्रमोट करेंगे आपके वीडियो को यूट्यूब पे। तो स्टैंडर्ड दोस्तों बेस्ट और 100% बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप एसेलेटेड लेते हो तो दोस्तों आपके पूरे के पूरे पैसे एक दिन के कुछ एक ही मिनट में या फिर 2 मिनट में या फिर कुछ सेकंड में आपके पूरे पैसे ख़त्म हो सकते हैं। तो ये बटन तो जनरली आपको ज़्यादा यूज़ ही नहीं करना, मतलब ज़्यादा मतलब करना ही नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। तो स्टैंडर्ड पे हम रख देते हैं इसे दोस्तों। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैं एक न एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ, इसलिए वीडियो लॉन्ग हो सकती है। तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर स्टार्ट एंड इन डेट। टू स्टार्ट डेट दोस्तों सुन एज सुन पॉसिबल ही रखना है। इन डेट अगर आप रखना चाहते हो कि भाई आज कैंपेन मेरा शुरू हुआ तो फिर कुछ हफ्ते के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाना, राइट? तो वो भी आप रख सकते हो चाहे तो, पर मुझे यहाँ पर नहीं रखना, ठीक है? तो अगर आप रखते हो तो बंद हो जाएंगे एड कैंपेन दोस्तों, क्लोज हो जाएगा आपका और आपको रिजल्ट आ जाएगा कि भाई ऐसा हुआ। तो मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है? तो अभी बिडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर देखिए दोस्तों, बिडिंग स्ट्रैटेजी दोस्तों यहाँ पर दो प्रकार की बिडिंग स्ट्रैटेजी आती है, मैक्सिमम CPV, मैक्सिमम CPM और टारगेटेड CPM। दोस्तों यहाँ पर तीन है, पहले दोस्तों दो हुआ करती थी, ये तीन है दोस्तों। तो यहाँ पर CPV दोस्तों मतलब कॉस्ट पर व्यू, यहाँ पर देख पा रहे दोस्तों CPV मतलब कॉस्ट पर व्यू, मतलब देखिए दोस्तों अभी मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ दोस्तों होता क्या है। मैंने पहले अपने Part 2 में दोस्तों आपको समझाया है होता क्या है ये एक्चुअल में, और पूरा अगर आपने सीरीज़ को अगर फॉलो कर रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात है। पूरी और भी कुछ ऐसी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैंने Part 2, 1, 2, 3 में कवर की है। तो देखिए दोस्तों CPV मतलब क्या कि भाई आप CPV मतलब आपके वीडियो पर कोई क्लिक करता है, अगर उस वीडियो को 30 सेकंड वो देखता है तो ही आप उसे गूगल को आप पे करोगे, ठीक है? मतलब आपके एक व्यू के आप कितने पैसे रखना चाहते हो, तो ये बड़ी स्ट्रैटेजी है, मतलब आप कैसे किस प्रकार से आप पैसे स्पेंड करना चाहते हो, दैट्स इट। जो CPV दोस्तों, CPM मतलब क्या, कॉस्ट पर इम्प्रेशन, मतलब 1000 बार लोगों को बताने पर आप पे करना चाहते हो, फिर उसके अंदर आपको एक व्यू भी मिले या फिर नहीं भी मिले, मतलब 1000 लोगों को बताने का, और अगर उसके अंदर 1000 या फिर मिलते भी नहीं है तो भी दोस्तों आपको 1000 इम्प्रेशन मतलब 1000 लोगों को बताने पर आपको पे करना है। अगर व्यू मिलते नहीं मिलते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस 1000 लोगों को बताने के, बस इम्प्रेशन व्यूज़ नहीं है, बस बताने के, तो वहाँ पर आप पे करते हो। टारगेटेड CPM मतलब कुछ तो भी पर्टिकुलर अमाउंट पे दोस्तों आप इंप्रेशन देना चाहते हो, दैट्स इट टारगेटेड CPM। CPM दोस्तों कॉस्ट पर इंप्रेशन मतलब हर 1000 व्यू पे आप पे करते हो, और यहाँ पर हर व्यू पे आप पे करते हो। यहाँ पर CPV में दोस्तों आपको अनलिमिटेड इंप्रेशन मिल सकते हैं, अनलिमिटेड इंप्रेशन, और यहाँ पर दोस्तों आप जितने पे करोगे उतने ही इंप्रेशन मिलेंगे, और व्यू तो फिर आपको वो 1000 व्यू के हिसाब से ही आपको व्यू मिलेंगे। तो मैं तो दोस्तों यहाँ पर CPV के बिल्डिंग स्ट्रैटेजी की तरफ से जा रहा हूँ, और मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ कि CPV के बिल्डिंग स्ट्रैटेजी की तरफ से जाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आता है दोस्तों नेटवर्क्स आता है। नेटवर्क की कंसेप्ट दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ ये होता क्या है। देखिए दोस्तों मैंने Part 1, 2, 3 में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन कवर की है, तो दोस्तों ज़्यादा मैं बोलने वाला नहीं हूँ आपको, ठीक है? YouTube सर्च रिजल्ट के अंदर दोस्तों मैंने टाइप ऑफ ऐड के ऊपर भी वीडियो बनाया है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि YouTube सर्च के अंदर भी एक ऐड आती है, YouTube वीडियोस के अंदर भी ऐड आती है, वीडियो के पहले और वीडियो के बाद वो सब एडवर्टाइजमेंट होती है। और वीडियो पार्टनर मतलब दोस्तों कि आपने देखे होंगे दोस्तों वेबसाइट, कुछ वेबसाइट के ऊपर दोस्तों ऐसी स्पेस होता है स्पेशली फॉर वीडियोज़ के लिए, एडवर्टाइजमेंट वीडियोज़ के लिए, तो वहाँ पर दोस्तों यूट्यूब उन्हें परमिशन देता है यूट्यूब एड्स चलाने के लिए। तो वेबसाइट पे भी कभी कभी यूट्यूब की एड्स चलती है, तो ये वहाँ पर दोस्तों फिलहाल तो मुझे किसी वेबसाइट को टारगेट नहीं करना है, तो मैं सिर्फ यूट्यूब को ही टारगेट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सेट कर दिया मेरा नेटवर्क और दोस्तों लैंग्वेजेस, ठीक है? अब लैंग्वेज इसके आगे का जो भी है दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। दोस्तों मेरी जो वीडियो दोस्तों पूरा हिंदी में है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी को टारगेट करता हूँ, मुझे ज़्यादा कोई लैंग्वेज तो दोस्तों मुझे टारगेट नहीं करना है, मैंने सिर्फ हिंदी को टारगेट किया। आप अगर इंग्लिश वीडियो हो तो इंग्लिश को टारगेट कर सकते हो, अगर सबटाइटल यूज़ करते हो अपनी वीडियो के अंदर, सब
तो फिर और भी लैंग्वेज को आप टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों लैंग्वेजेस, लोकेशन, मतलब गूगल को पता होता है कि भाई कितने लोग जो है हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, कितने लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो आपकी वीडियो हिंदी स्पीकिंग पीपल को ही दिखेंगी। मेरी जो ये वीडियो है सिर्फ हिंदी स्पीकिंग पीपल को ही दिखेंगी, राइट, क्योंकि मेरा कंटेंट हिंदी में, दैट्स इट। लोकेशन दोस्तों मैं इंडिया ही सिलेक्ट करके रखूँगा, अगर आप और कंट्री चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस पार्ट को तो मैं बिल्कुल भी, मतलब आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करने आपको, ये जैसा है वैसा रहने देने का, ठीक है। इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो भी चलेगा दोस्तों, बिल्कुल भी ध्यान में दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एडिशनल सेटिंग में क्या है, बस आपको बताने के लिए। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो है दोस्तों डिवाइसेस, फ्रीक्वेंसी क्लैपिंग, एड शेड्यूल, इस चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखिए दोस्तों डिवाइसेस, डिवाइसेज में दोस्तों कंप्यूटर आ जाता है, मोबाइल आ जाता है, टीवी आ जाता है। अगर आप चाहे तो दोस्तों पर्टिकुलर मोबाइल मॉडल से लेके दोस्तों पर्टिकुलर ब्रांड तक के आप पीपल को टारगेट कर सकते हो। मतलब अगर कोई सिर्फ सैमसंग का मोबाइल यूज़ करता है तो सिर्फ सैम्पल सैमसंग के मोबाइल के पर्सन को ही आपकी वीडियो की एड दिखेंगी, ये भी आप टारगेट कर सकते हो। सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर, सिर्फ टीवी स्क्रीन के ऊपर भी दोस्तों यूट्यूब चलाई जाती है आजकल, विदेशों में जनरली होता है, इंडिया में तो नहीं होता है, तो आप वैसे भी टारगेट कर सकते हो सिर्फ डिवाइसेस को लेके। पर यहाँ पर मैं दोस्तों मैं सभी पे टारगेट करता हूँ। दोस्तों फ्रीक्वेंसी क्लैपिंग होता क्या है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों फ्रीक्वेंसी क्लैपिंग में के अंदर दोस्तों यहाँ पर एक बंदे को आप कितने बार इंप्रेशन, जैसे कि मैंने कहा CPM, अगर आप CPM बिडिंग स्ट्रेटजी से जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ पर आप सेट कर सकते हो कि भाई एक बंदे को आपकी वीडियो का जो लो बैनर है दोस्तों, थंबनेल है, कितने बार बताना चाहिए, व्यूज़ नहीं दोस्तों, कितने बार बताना चाहिए तो वो आप सेट कर सकते हो। अगर व्यूज़ अगर बात करें तो दोस्तों वहाँ पर एज अ एडवर्टाइजमेंट कितने बार वो बताना चाहिए, मतलब कितने बार उस बंदे ने आपकी वीडियो को एज अ एडवर्टाइजमेंट व्यू करना चाहिए, तो ये सब आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा सेट नहीं करने वाला दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको पूरा एक एक चीज़ समझा रहा हूँ ताकि दोस्तों आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से। दोस्तों एड शेड्यूल, दोस्तों यहाँ पर आप सेट कर सकते हो कि भाई मंडे के दिन जो है मेरी एड इतने से बच के इतने से दिन चलनी चाहिए, नहीं तो मंडे से फ्राइडे चलनी चाहिए, सैटरडे संडे चलनी चाहिए, तो ये सब आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, कितने बजे से लेके कितना, ये टाइम जोन को जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों, टाइम जोन कौन सा चल रहा है यहाँ पर, तो इस टाइम जोन के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये बात तो होगी दोस्तों कैंपेन की। अब दोस्तों ऐड ग्रुप की तरफ आते हैं दोस्तों। दोस्तों ऐड ग्रुप क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ छोटा छोटा एक शॉर्ट में। दोस्तों देखिए ऐड ग्रुप ये होता है, इसके अंदर आप मेन आपकी टारगेटिंग का जो होता है दोस्तों, पूरा आपकी ऐड कितने लोगों को, कैसे लोगों को, किस टाइप के लोगों को, किस किस प्रकार के, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि भाई ऑल अबाउट टारगेटिंग टू पीपल, राइट। इंटरनेट पर दोस्तों हर प्रकार के लोग मिल जाते हैं आपको, तो हर तो उनमें से पर्टिकुलर टारगेटिंग करने के लिए आप ये एज अ ऐड ग्रुप यूज करते हो, ठीक है। ऊपर का दोस्तों कैंपेन था, ये है ऐड ग्रुप। ऐड ग्रुप का नाम भी दोस्तों मैं दे देता हूँ, यूट्यूब ऐड पार्ट 4। अब दोस्तों देखिए मैं आपको यहाँ पर देखो, पीपल हु यू वॉन्ट टू रीच, कौन से पीपल के पास आप पहुंचना चाहते हो, दो ऑप्शन, डेमोग्राफिक और एनी ऑडियंस। तो देखिए दोस्तों डेमोग्राफिक के अंदर क्या क्या आ जाता है, डेमोग्राफिक के अंदर दोस्तों आप सिर्फ फीमेल को टारगेट कर सकते हो, या फिर चाहे तो सिर्फ मेल को, या फिर अननोन दोस्तों, मतलब आप समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ पर एज ग्रुप भी आप टारगेट कर सकते हो कि भाई हमारे ऐड जो है सिर्फ ओल्डर लोगों के लिए है, तो सिर्फ ओल्डर लोग सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहे तो भाई हमारे ऐड नहीं सिर्फ यंग पीपल के लिए, तो आप यंग पीपल के लिए, होता है दोस्तों कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है ऐसे पर्टिकुलर एज ग्रुप को टारगेट करने के लिए। दोस्तों पेरेंट स्टेटस में दोस्तों आप अगर कोई मतलब ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हो, सिर्फ पेरेंट्स को टारगेट करना चाहते हो तो पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हो। हाउस होल्ड इनकम दोस्तों, ये टारगेट किस लिए काम में आता है, तो ये देखिए दोस्तों, अब मान लीजिए कि भाई आप कुछ भी सेलिंग कर रहे हो, अगर आप एक कार सेल कर रहे हो ऑनलाइन, ठीक है, आपने एक वीडियो बनाया, अगर आप कार सेल करना चाहते हो, या फिर कोई रूम सेंड कर, अगर आपका खुद का एक रियल इस्टेट बिजनेस है, अगर आप कुछ सेलिंग करना चाहते हो, तो दोस्तों आप यहाँ पर लिख सकते हो कि भाई जो बंदा है मेरा जो वीडियो को देखेगा उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए, आप यहाँ पर परसेंटेज के वाइज सेट कर सकते हो, राइट। मतलब सेलिंग के लिए दोस्तों जनरली ये होता है, पर मैं तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा सेट नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे जो टारगेटेड ऑडियंस है इतना भी डीप में नहीं जा रही है, मेरे टारगेटेड ऑडियंस काफ़ी ब्रॉड नहीं हो रही है, ठीक है। ऑडियंस के अंदर दोस्तों ये काफ़ी अच्छा है दोस्तों, ऑडियंस के अंदर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके ऑडियंस इंटरेस्टेड किस चीज़ में है, आपके ऑडियंस एक्टिवली रिसर्च किस बारे में कर रही है,
तो आप इसी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो कि आपकी ऑडियंस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में रिसर्च करती हो। ठीक है, अब मैं दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एड्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर एड्स सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल जा रहा है कि भाई मेरी ऑडियंस जो है उसे दिया नहीं। दोस्तों यहाँ पर मुझे कोई अच्छे से नहीं मिल रहा, तो मैं यहाँ पर सिंपली मार्केटिंग कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं इसे एक सिलेक्ट कर लूँगा। दोस्तों यहाँ पर ये जो फीचर है ना दोस्तों, काफ़ी इजी आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा आई थिंक मुझे नहीं लगता कि दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ इसके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी इजी है सब कुछ। दोस्तों लिखा हुआ है कि भाई कैसा है, कि भाई आपके ऑडियंस किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। तो आप यहाँ पर दोस्तों उस कीवर्ड को सिलेक्ट करके आप उसको फाइंड करके टिक करके, जैसे मैंने यहाँ पर टिक किया, आप उसे टिक करके ऐड कर सकते हो। तो ये तो आपकी होगी ऑडियंस, पर मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करना, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर ज़्यादा डीप में दोस्तों नहीं जा रहा हूँ। इसके पीछे दोस्तों रीज़न ये है कि वहाँ पर आपके ऐड दिखे ही ना, मतलब गूगल के पास इनफ डेटा ना हो कि आपके ऐड, अगर काफ़ी डीप में अगर आप टारगेटिंग करते हो तो दोस्तों शायद से आपको इंप्रेशन कम मिले, व्यूज़ कम मिले, तो इवन आपके ऐड भी ना चले। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम होता है कभी कभी एडवर्टाइजर के साथ, तो इसकी वजह से होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा डीप में टारगेटिंग कर देते हैं। तो ऐसा ज़्यादा डीप में हमें टारगेटिंग नहीं करनी है, एक बार जरूर ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों आता है कीवर्ड्स के ऊपर। दोस्तों अगर आप, मैंने दोस्तों टाइप ऑफ, दोस्तों मैंने टाइप ऑफ पार्ट टू के अंदर आपको बताया था कि किस टाइप की एडवर्टाइजमेंट होती है। दोस्तों कीवर्ड के अंदर दोस्तों होता क्या एक्चुअल में, अगर आप पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर एडवर्टाइजमेंट रन करना चाहते हो, मतलब कैसा कि देखिए आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर कोई बंदा मार्केटिंग सर्च करे तो मेरी एडवर्टाइजमेंट दिखे, राइट, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे मेरे एज अ एडवर्टाइजमेंट दिखे, तो मेरी एडवर्टाइजमेंट चाहिए। तो दोस्तों आप कीवर्ड के अंदर ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हो, मतलब कीवर्ड। दोस्तों पार्ट थ्री के अंदर मैंने पूरा कीवर्ड रिसर्च के बारे में बताया है आपको कि आप कीवर्ड टारगेटिंग करना चाहते हो यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो आप कैसा कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कीवर्ड डाल देता हूँ हमारे कुछ, दोस्तों मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम लगा था दोस्तों मैं इन सभी चीज़ें के लिए। एक बार ध्यान में रखिए दोस्तों, कीवर्ड ऊपर नीचे नीचे आने चाहिए दोस्तों, कॉमा यहाँ पर ऐड नहीं करना हमें, ऐसा कॉमा ऐड नहीं करना, या फिर कॉमा ऐड करके फिर बाकी ऐसा नहीं लिखना, राइट। कीवर्ड दोस्तों यहाँ पर आपको वन बाय वन, मतलब एक के नीचे एक ऐसा, तो ये दो कीवर्ड में डाल लेते हो दोस्तों यहाँ पर मेरे फिलहाल के लिए। और भी दोस्तों एक काफ़ी अच्छा फीचर है कि अगर दोस्तों मान लीजिए कि भाई मुझे कोई तो मार्केटिंग साइट मिली है और मार्केटिंग वेबसाइट दोस्तों मैं यहाँ पर URL ऐड करके सभी दोस्तों मुझे यहाँ पर कीवर्ड आ जाएंगे यहाँ पर, तो मैं वो कीवर्ड यूज़ कर सकता हूँ। आप देखिए दोस्तों, आप जब तक खुद एक्सपेरिमेंट, जब तक खुद ट्राई नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप ट्राई करके देखिए, एक बार जरूर ट्राई करके देखिए, काफ़ी अच्छा है। बात करें दोस्तों टॉपिक के बारे में, दोस्तों टॉपिक के अंदर क्या आता है दोस्तों, मेरा टॉपिक दोस्तों सीधा मार्केटिंग है दोस्तों। क्या मुझे मार्केटिंग के अंदर कुछ मिलता है क्या, तो मैं यहाँ पर दोस्तों देख लेता हूँ कि भाई अजी है दोस्तों, मुझे मिल गया एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग, तो मैंने ये दो चीज़ों को ऐड कर दिया दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप जरूर ध्यान रखिएगा कि भाई अवेलेबल इंप्रेशन, गूगल आपको बता रहा है कि अगर आप इसे टारगेटिंग करते हो तो आपको इतने इंप्रेशन मिलेंगे, अगर आप टारगेटिंग अगर ये नहीं करते तो आपको इतने, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे और इसे कैंसिल कर दिया, तो देखिए दोस्तों 51 मिलियन, मतलब इतने बार मेरी ऐड बताई जाएंगी, व्यूज़ नहीं है दोस्तों, बताई जाएंगी मेरी ऐड इतने बार। अगर मैं ज़्यादा डीप में, जैसे मैंने कहा था दोस्तों प्रॉब्लम आती है अगर ज़्यादा डीप में अगर टारगेटिंग करते हो, तो देखिए दोस्तों अगर मैं ये ऐड करता हूँ तो सिर्फ 7K, तो ठीक है मैं ये नहीं करता क्योंकि मुझे इंप्रेशन कम मिलेंगे अगर मैं इतने डीप में टारगेटिंग करूँगा तो। अब दोस्तों बात करते हैं प्लेसमेंट के ऊपर, प्लेसमेंट होता क्या। अब मान लीजिए कि भाई कोई तो भी YouTube चैनल है, मेरा फेवरेट YouTube चैनल है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर जी का मेरा ये मेरा फेवरेट चैनल रियल में है भी, और मैं चाहता हूँ कि भाई इस वीडियो के नीचे मेरी एडवर्टाइजमेंट चले, बस इस वीडियो के नीचे, कहीं पे भी नहीं, ये वीडियो को जो भी देखेगा वो ही मेरी ऐड देख पाएगा। तो मैं इसे क्या करूँगा दोस्तों, इसे कॉपी कर लूँगा इस वीडियो के URL को और मेरे
गूगल एडवर्ड के अंदर, जो कि दोस्तों सिंपली ये यूआरएल जो है दोस्तों इंटर कर दूंगा और यहाँ पर ये सर्च करूंगा। ये देखिए दोस्तों यूट्यूब वीडियो, और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये वीडियो आ गया। तो सिर्फ इसी वीडियो के नीचे मेरी एडवर्टाइजमेंट चलेंगी। पर देखिए दोस्तों इंप्रेशन नॉन हो गए, मतलब उस व्यूज़ के अनुसार आपको इंप्रेशन मिलेंगे, इसका टेंशन नहीं है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर नॉन नॉर्मल सी बात है, क्योंकि इंप्रेशन यहाँ पर गूगल जज नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप अगर चाहे तो दोस्तों पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल या फिर पर्टिकुलर वीडियो उनको टारगेट करते हुए आप मार्केटिंग कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट चला सकते हो, यूट्यूब ऐड चला सकते हो। तो मैं यहाँ पर ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ। जैसे आपको दोस्तों मैं एग्जांपल के लिए दोस्तों आपको बता रहा हूँ दोस्तों, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान से सुनिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अब दोस्तों बिडिंग स्ट्रैटेजी, दोस्तों पहले के जैसे कि हमने जाना था कि बिडिंग स्ट्रैटेजी CPV क्या होता है। तो बिडिंग स्ट्रैटेजी के अंदर हमने देखा कि दो तरह की सेटिंग जी होती है दोस्तों। जैसे मैंने वहाँ पर सेट किया था CPV मतलब कॉस्ट पर व्यू मैंने सेट किया था। तो यहाँ पर दोस्तों मैं सेट कर देता हूँ कि भाई एक व्यू का मैं कितना पे करना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको सेट करना है बिडिंग के अंदर एक व्यू का आप कितना पे करना चाहते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मिनिमम आप दोस्तों 1 रुपीज़, यहाँ पर जो है मिनिमम आप 1 रुपीज़ से सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब 0.01 CP, मतलब एक व्यू के दोस्तों आप इतना ही पे करोगे, इससे ज़्यादा नहीं। मैक्सिमम दोस्तों मतलब इतना ही पे करोगे। अगर आप यहाँ पर लिख देते हो सिंपली, मैं यहाँ पर 1 लिख देता दोस्तों, मैक्सिमम मतलब इसके आगे नहीं है दोस्तों, मतलब पैसे में मतलब 0.59, 0.60 ऐसे पैसे मेरे कट होंगे मैक्सिमम दोस्तों। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपीज़ में एक व्यू के पे करना चाहूँगा। तो यहाँ पर आपको सेट करना है, तो मैं यहाँ पर 1 रुपीज़ ही पे करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 1 पे सिलेक्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, आपके डैशबोर्ड में आ जाना है दोस्तों। यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि भाई हमको किस वीडियो की एडवर्टाइजमेंट करनी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको कहा था कि इनफ कंटेंट होना चाहिए Part 1, 2 में, मैंने आपको कहा था ध्यान रखिएगा दोस्तों 52 वीडियो थे मेरे, इसलिए दोस्तों मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों इनफ कंटेंट ज़रूर रखिएगा अपने चैनल पे। दोस्तों मुझे जो है दोस्तों इस वीडियो को प्रमोट करना है, मैंने डिसाइड कर दिया, ठीक है। दोस्तों मैं स्पेशल वीडियो बनाना चाहूँगा दोस्तों कि आपको कौन सी टाइप कौन सा वीडियो आपको प्रमोट करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर इस लिंक को दोस्तों आपको कॉपी कर लेना है, इस वीडियो लिंक को कॉपी कर लेना है दोस्तों आपको। यहाँ पर दोस्तों यूट्यूब के अंदर आपकी एडवर्टाइजमेंट रैंक करने के लिए भी दोस्तों यहाँ पर आप कीवर्ड ऐड करते हैं। यहाँ पर मैं कीवर्ड रिसर्च का पूरा ट्यूटोरियल है दोस्तों, ये मेरा Part 3, इसके अंदर मैंने पूरा कीवर्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी आपको। दोस्तों यहाँ पर आके सिंपली दोस्तों आपको ये पेस्ट कर देना है, ये देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, Part 2 में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भाई टाइप ऑफ ऐड कौन सी होती है। यहाँ पर दोस्तों इंस्टीम ऐड और वीडियो डिस्कवरी ऐड। दोस्तों इंस्टीम ऐड दोस्तों वो ऐड होती है कि जो वीडियो के पहले रन होती है, राइट, जो आपने देखी होंगी वीडियो के पहले ऐड होने वाली जितनी भी ऐड्स होती है वो इंस्टीम टाइप ऑफ ऐड होती है। जो वीडियो डिस्कवरी ऐड होती है दोस्तों वो ऐड होती है जो कीवर्ड रिसर्च किए जाने पर एक वीडियो के नीचे दिखने वाली ऐड वो ऐड होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई कीवर्ड सर्च करा तो यहाँ पर मेरी ऐड दिखेंगी, राइट। दोस्तों ये प्रीव्यू है दोस्तों, ऐसे दिखती है ये ऐड, अगर इंस्टीम रखते हैं तो कैसे दिखती है देखिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों वीडियो के पहले, दैट्स इट, स्किप बटन आ जाएगा, यहाँ पर ऐड दिखेंगी तो ये हो जाती है। तो ये टाइप ऑफ ऐड का वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों Part 2 के अंदर, पूरा डिटेल में डिस्कशन किया है मैंने। तो यहाँ पे दोस्तों मैं वीडियो डिस्कवरी ऐड सिलेक्ट कर देता हूँ मेरा। अब दोस्तों मेन बात दोस्तों यहीं पर ही आती है कि भाई आप हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और ऐड नेम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है दोस्तों। हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन ये दो चीज़ें दोस्तों व्यूअर को दिखने वाली है, तो ही आपकी वीडियो पर क्लिक होगा। और थंबनेल दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों, थंबनेल कड़क बनाइएगा, तो मस्त बनाइएगा ताकि आपको व्यूज मिले, सब्सक्राइबर मिले, ठीक है। यूट्यूब ऐड Part 3 कीवर्ड रिसर्च, बस दोस्तों मेरी हेडलाइन होगी। दोस्तों यहाँ पर मैं स्पीड में बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने ज़्यादा मतलब क्या दोस्तों यहाँ पर जो है मेरी ये हेडलाइन मैंने यहाँ पर रख दी है दोस्तों। आपको हेडलाइन दोस्तों काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, जानता हूँ दोस्तों कि ये काफ़ी अट्रैक्टिव नहीं है, पर स्टिल दोस्तों इनफ इन्फॉर्मेशन दे देती है दोस्तों मेरे व्यूअर को कि भाई इस वीडियो के अंदर मैं क्या बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यही मेरे लिए अच्छी हेडलाइन है, जिसके लिए मैं दोस्तों मैं लिख देता हूँ चेकआउट वीडियो एंड लर्न कूल
वेज डोंट। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया है दोस्तों, ये नॉर्मल सा डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, मैं आपको सिखाने के लिए ही दोस्तों सिर्फ ये ऐड क्रिएट कर रहा हूँ, कोई प्रोफेशनल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर क्रिएट नहीं कर रहा हूँ मैं आपके सामने, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ में आया, इसलिए दोस्तों आप ऐसा मत समझिएगा दोस्तों कि मैं जस्ट क्रिएट कर दे रहा हूँ, मैं जनरली अपने जो एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करता हूँ ऐसे ही क्रिएट करता हूँ, नहीं दोस्तों मैं काफ़ी रिसर्च करता हूँ, काफ़ी टाइम स्पेंड करता हूँ रिसर्चिंग में दोस्तों, स्पेशली हेडलाइन और थंबनेल और डिस्क्रिप्शन में और टारगेटिंग मुझे किस पे करनी है उसके ऊपर। दोस्तों यहाँ पर एड नेम का दोस्तों यही आपके लिए दोस्तों कि भाई मैं डाल देता हूँ ये ऊपर यूट्यूब एड पार्ट 3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है दोस्तों आपकी एडवर्टाइजमेंट क्रिएट हो चुकी है, सब कुछ हमने जान लिया कि भाई कैसा एडवर्टाइजमेंट सेट करना है दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना हमको हो गया दोस्तों, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब दोस्तों क्या होने वाला है ये मेन चीज़ मैं आपको बता देना, वीडियो को बिल्कुल भी क्लोज मत कीजिएगा दोस्तों। एक चीज़ आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों कि जब भी आप एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करते हो दोस्तों, तो यहाँ पर आपकी एडवर्टाइजमेंट दोस्तों अप्रूवल के लिए जाती है, जो कि होती है 1 to 2 hours, मतलब दोस्तों जनरली 1 to 2 hours लग जाते हैं, ये कभी कभी 1 day, कभी कभी 2 days भी लग जाते हैं आपके एडवर्टाइजमेंट को अप्रूवल मिलने के लिए दोस्तों। तो इंस्टेंटली आपके एडवर्टाइजमेंट शुरू नहीं होने वाली, आपको टाइम लगेगा उसे अप्रूवल लेने के लिए। तो यहाँ पर तो दोस्तों हमने देख लिया कैसे एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर कंटिन्यू नहीं कर रहा, आपको कंटिन्यू करना है जिससे आपके एडवर्टाइजमेंट क्रिएट हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये अप्रूवल के ऊपर रहने वाली आपके एडवर्टाइजमेंट, और जैसे अप्रूवल हो जाती है उसके अंदर दोस्तों चेक क्या करने वाले मैं आपको बता देता हूँ, वो चेक करने ये वाले कि आप जो एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं वो क्या आपके एडवर्ड उसी यूट्यूब चैनल से लिंक है, एक वेरिफिकेशन हो जाएगा, क्या आपने हेडलाइन सही से डाली है, कोई मिस मैच तो नहीं कर रहे हो आप, कंटेंट तो राइट है, ये सब अप्रूवल चीज़ें होती है दोस्तों। और जनरली दोस्तों आपके एडवर्टाइजमेंट अगर आप इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करना करते हो सब कुछ सही से और रियल और जेन्युइन और राइट इन्फॉर्मेशन अगर आप सब कुछ डाल के टारगेटिंग करके अगर आप करते हो तो आपको 100% अप्रूवल मिल जाएगा, बहुत जल्द मिल जाता है दोस्तों, कुछ भी नहीं दोस्तों ये सब। तो ये था दोस्तों मेन आज का पार्ट दोस्तों इस वीडियो के अंदर कि भाई कैसे एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब बात आती है इन सभी वर्ड्स की इंफॉर्मेशन ले लेना, कैंपेन दोस्तों वो होता है जिसके अंदर आप एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। ये एक जैसे समझिए कि भाई घर होता है, एक घर होता है ठीक है, और एड ग्रुप दोस्तों जिसके अंदर फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं, वो कीवर्ड सब टारगेटिंग ये सब चीज़ें दोस्तों एड ग्रुप के अंदर आती है, और ये दोनों एक दूसरे से लिंक होते हैं ये दोनों चीज़ें। तो ये दोनों इतना ही दोस्तों, एड एक्सटेंशन में दोस्तों कि आपकी वो वीडियो की लिंक होती है राइट, और लैंडिंग पेज अगर आप वेबसाइट के एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो यहाँ पर लैंडिंग पेज बताया जाएंगे, कीवर्ड दोस्तों आपने कौन से कीवर्ड को टारगेट किया है, तो वो सब कीवर्ड ऑडियंस डेमोग्राफिक टॉपिक प्लेसमेंट ये सब चीज़ें हमने बात की है दोस्तों एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करते हुए क्या होता है। तो आई थिंक दोस्तों ये था हमारा आज के वीडियो में दोस्तों, मुझे लगता है आज की वीडियो इनफ हो गया, काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। आई होप दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा, आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो दोस्तों, यार भूलोगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। मैं पार्ट 5 लाने वाला हूँ दोस्तों, जिसके अंदर आपके FAQ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूँ, कमेंट करो यार क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी कमेंट करो ये वीडियो कैसे लगा, और जल्दी से जल्दी मुझे बताओ कमेंट करो, क्योंकि पार्ट 5 दोस्तों सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए पार्ट 5 के अंदर मैं आपके क्वेश्चंस सॉल्व करने वाला हूँ दोस्तों, आपके क्वेश्चंस और मेरे आंसर्स रहने वाले पार्ट 5 के अंदर। कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों कमेंट जरूर करना, और लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।